खबर मंदसौर जिले से है, जहां रुपयों को डबल करने का झांसा देकर धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक मंदसौर अनुराग सुजानिया ने बताया कि सूदखोर को धोखाधड़ी व रुपये डबल करने का झांसा देकर रुपये ऐंठने वाले व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। जानकारी के अनुसार आवेदक रघुनाथ व अन्य 9 आवेदनकर्ता ने आरोपी राजू के विरुद्ध मामला दर्ज कराया है। उन्होंने बताया कि आरोपी ने उनसे रुपये डबल करने का झांसा देकर 9,45,000 रुपये लेकर वापस नहीं किए। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 420 का प्रकरण दर्ज कर गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। मेरे साथ में तो मेरे से 20,000 रुपये लेकर गया, मेरी बहन से 45,000 रुपये लेकर आया, और उसके बावजूद मेरी बहन से तो ये झूठ बोल करके लाया वो कि मेरी बहन के लड़के का हाथ जल गया है। उसके बावजूद बहन यहाँ आई, उसके घर मांगने भी गई, उसने पैसे नहीं दिए, झगड़ा करने दोला, घर भर के झगड़ा करते हैं। मम्मी आई थी मेरे पास, क्या बोला मम्मी ने? मम्मी ने बोला कि आपके पास 10-20 हज़ार भी नहीं है क्या, आप 10-20 हज़ार भी नहीं दे सकते हो क्या? वहाँ पूरे मोहल्ले की महिलाएं थी मेरे खेत पर, मेरे कुएं पर पूरे मोहल्ले की महिलाएं थी, मेरे घर की भी थी और मेरे पूरे घर की थी। ठगी का मामला ये गांव में बहुत दिन से, वो जो महीना दो महीना तीन महीने से वो मान लो कि एक्का दो एक्का डेढ़ एक ऐसा कर रहे थे, चल रहे थे नहीं पड़ेगा। अब ये चला रखे तो हमारे पास भी आए हो, अब तुम लोग कैसे बैठे डीडे डाले, हम लोग कई लोगों की गरीबी। जो कर रहा था जो राजू हीरालाल पिता राजू पिता हीरालाल गोस्वामी, तो उनने बताया तुम कैसे डीले डोले बैठे हो, तुम मैंने कई लोगों की गरीबी दूर कर दी हो, आप तो घर का परिवार के होते हुए आप कैसे डीले बैठे, आपके पास जो भी रकम हो चाहे आप दो। तो हमने हमारे मकान के कोई चलाने के कार्य चलाने के लिए हमने गाय और भैंस कुछ बेच कर कुछ रकम हमारे पास थी, इनको को अपने मकान काम पूरा करवाएंगे। तो ये बोला कि आज नहीं 8 दिन बाद चला लेना, 15 दिन बाद चलवा लेना काम, तो हम तो हमारा पूरा सहयोग कर देंगे इन पैसे का। ग्राम पंचायत नावली में टोटल 10 लोगों के साथ 9,45,000 रुपये की धोखाधड़ी हुई है। ये राजू उर्फ राजेश पिता हीरालाल गोस्वामी गिर नावली का निवासी है। इसने गाँव के भोले भाले लोगों को पैसा डबल करने का सभी को आश्वासन दिया था और सभी से इसने पैसे लिए। शुरू में इसने 1,000-2,000 रुपये लेके वापस भी किए उनको, 3,000-3,000 4,000-4,000, तो लोग विश्वास में आ गए और फिर उन्होंने इसको ज़्यादा पैसे दिए। अभी हमको 10 लोगों का आवेदन प्राप्त हुआ है, तो 10 लोगों के आवेदन के आधार पर हमने अपराध क्रमांक 42/22 धारा 420 भादुओं में कायमी की है, और अन्य लोगों को भी देखा जा रहा है, अगर उनके साथ भी की है तो कार्रवाई होगी।